हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखा था टी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि जो स्कैंडियम फैमिली है, स्कैंडियम फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, ये हो जाएंगे 5, 6, 7 एंड यहाँ पे 8, 9, 10, 11 एंड द 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एस से ही रिमूव हो या दो एस से दो ने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 2, 3 होती है। तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीडेशन, दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 एंड द सेकेंड इज द +3। ओके, यहाँ पे भी दो पॉसिबल है और 3 है। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, टाइटेनियम में भी, इस फैमिली में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +3 हो सकती है एंड +4 हो सकती है। सिमिलरली वैनेडियम फैमिली में +2 से लगा करके +3, +4 एंड द +5 भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो सकती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली क्रोमियम फैमिली में क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, +3, +4, +5 एंड +6 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए है, मैंगनीज के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +2 भी होगी, +3 भी पॉसिबल है, +4 भी, +5 है, +6 है एंड +7 भी पॉसिबल होती है। आयरन फैमिली के लिए +2, +3, +4, +5, +6 पॉसिबल है। कोबाल्ट फैमिली के लिए +2, +3, +4, +5 एंड +5 तक के यहाँ पे पॉसिबल हैं। और यहाँ पे +6 और +7 भी होती हैं, रेयर केस में होती है। निकिल के लिए दो पॉसिबल हैं, +2, +3 एंड +4। इसमें कोबाल्ट फैमिली में +2, +3 और यहाँ पे क्या होता है, +2 ही पॉसिबल होती है। अब इसमें ये तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोगों ने लिखी हैं। इन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ जो स्टेट्स होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो स्टेबल होती हैं और बहुत ही कॉमन होती है। तो कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो स्कैंडियम फैमिली होती है, स्कैंडियम फैमिली में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और जब भी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो एस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द डी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दे आर ऑलवेज शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जिसको हम लोग इन सर्किल कर रहे हैं वो क्या होगी आपकी मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे इन सर्किल हमने किया है +3, तो इसका मतलब है स्कैंडियम फैमिली जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्लस स्टेट में ही मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टाइटेनियम फैमिली में दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो ये आपकी +3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कॉमन है, दूसरी कौन सी है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि जो वैनेडियम फैमिली में दो पॉसिबल होती है, एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द +5। क्रोमियम फैमिली में देखेंगे तो दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो +3 है एंड +6। +6 भी काफ़ी कॉमन होती है वैनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए और टंगस्टन के लिए। मॉलिब्डेनम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंगनीज के केस में देखेंगे तो +2 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन। एंड द आयरन फैमिली में देखेंगे तो दो कॉमन होती है, एक तो +2 है और एक +3 है, ये बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन फैमिली के लिए। लेकिन रुदेनियम एंड ऑस्मियम जो हैं वो दोनों ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल RuOSO4, रुदेनियम टेट्राऑक्साइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इन दोनों में अगर देखेंगे तो रुदेनियम एंड ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन
स्टेट है यहाँ पे कितनी होती है, प्लस 8 होती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय द ऑस्मियम एज वेल एज द रुदेनियम इन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड रुदेनियम टेट्राऑक्साइड। ओके, सिमिलरली हम लोग बढ़ते हैं किसके लिए, कोबाल्ट फैमिली की तरफ। तो कोबाल्ट फैमिली में दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक तो प्लस 2 पॉसिबल है और प्लस 3 जो है वो भी बहुत ही कॉमन होती है। मोस्ट ऑफ द जो कोबाल्ट फैमिली जो मेंबर हैं वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। निकिल के केस में अगर हम देखेंगे, निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। दो ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जो मोस्ट स्टेबल होती हैं, वो एक तो पहली है आपकी प्लस 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेकेंड वन इज द प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दे फॉर्म ओनली द 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द प्लस 2 एंड द प्लस 4। कॉपर फैमिली में दो ही कॉपर प्लस 1 एंड प्लस 2 भी शो करता है। कॉपर की प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जो गोल्ड है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही शो करता है। और जिंक फैमिली में देखेंगे तो जिंक फैमिली में केवल एक ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो प्लस 2 होती है। ओके, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने में एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर इन ऑक्सीडेशन स्टेट को मिलाया जाए, इन ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो क्रोमियम फैमिली है, क्रोमियम फैमिली में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्लस 6 भी होती है। तो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, क्रोमेट आयन में, दैट इज CrO4 2- कॉम्प्लेक्स में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेट आयन बोलते हैं। क्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमी की कितनी होगी, प्लस 6 होगी। ओके, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ओके, तो ये हम लोगों ने स्टडी किया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, स्टडी करेंगे इसमें मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। ओके,